नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन किया। पिछले हम कक्षाओं में हम मरसले प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। इसको लेकर किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, इसकी मुख्य मुख्य बातों की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखो, हमने पहले भी देखा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 23% लिखते चले आप, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 23% भाग ये बनाता है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 23% भाग ये पूर्वी मैदानी प्रदेश बनाता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 39% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 23% भाग ये बनाता है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा। अब देखो, यहाँ की जो क्या क्या विशेषता है, इसका जो निर्माण हुआ है वो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गंगा और यमुना नदी जो है, गंगा और यमुना नदी द्वारा लाई गई मृदा से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ नाम से बताया, जल के द्वारा लोड की हुई, यानी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी देखो ये बहुत ही उपजाऊ है, यानी यूं कह सकते हैं ये जो है राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। देखो, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तो यहाँ पर मुख्य रूप से उपजाऊ क्षेत्र में क्या होगी, कृषि होगी। यानी यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। मुख्य जो व्यवसाय है क्या है, कृषि है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ कृषि होगी वहां लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं। तो मैं इसकी एक एक करके विशेषता ले लेता हूँ। देखो, एक तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 23% कुल क्षेत्रफल का भाग घेरता है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग बनाता है। जनसंख्या यहाँ निवास करती है कितनी, 39%। और क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है ये, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है इसका, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ का, मुख्य अगर व्यवसाय की अगर हम बात करें, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृषि जो है इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हो गई। किस प्रकार की इसके अंदर जो मृदाएं पाई जाती है भी हमने बात की थी। देखो, जलोढ़ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़, या जिसे हम बोलते हैं कांपी है, या और बोलते हैं दोमट। जलोढ़, कांपी, दोमट, या फिर एक और बोलते हैं एल्फिसोल भी बोलते हैं इसको, एल्फिसोल या जलोढ़ या कांपी या दोमट मिट्टी पाई जाती है, जहां पर कृषि ज्यादा की जाती है। और कृषि ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लोगों को आसानी से व्यवसाय मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यही कारण है कि ये राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। अब देखो, इसको अध्ययन की दृष्टि से हम इसको तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। एक तो चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन या छप्पन का मैदान जिसे हम कहते हैं। तो देखो, अध्ययन की दृष्टि जो है इसे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम सबसे पहले चंबल बेसिन की बात करते हैं। देखो, चंबल बेसिन को लेकर किस प्रकार से प्रश्न जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन, देखो चंबल बेसिन में क्या आएगा कि वह क्षेत्र जहां पर चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जहां पर चंबल नदी बहती है, या यूं कह सकते हैं कि चंबल नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, चंबल बेसिन कहते हैं। देखो, चंबल नदी की हम बात करते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश की
जनापाव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे चलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यमुना में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब देखो इसको लेकर जो मुख्य रूप से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो चंबल नदी जो है प्रसिद्ध, ये है अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपरदन क्या होता है इसको देखें हम। देखो इस तरह से जैसे मान लो कोई नदी बह रही है, ये मान लो कोई नदी बह रही है और इसके अंदर ये जल बह रहा है। जब वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब नदी का जलस्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इस नदी का जल क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। नदी का जलस्तर क्या हो जाता है, इस तरह से बाहर आ जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और नदी का जल क्या जाता है, बाहर आ जाता है। अब जैसे इनके अंदर जल आ गया और जैसे ही क्या होगा, जलस्तर कम होगा तो इसमें जो पानी भरा होगा ये वापिस कहाँ जाएगा, नदी के अंदर आ जाएगा। इस तरह से जब ये पानी नदी के अंदर फिर से आएगा तो अपने साथ क्या बहा कर लाएगा, मिट्टी भी बहा कर लाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये खड्डे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, खड्डे। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का जो अपरदन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो चंबल नदी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक तो कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, चंबल नदी के द्वारा। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवनालिका अपरदन कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है, कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। अब देखो जो अवनालिका अपरदन है, अवनालिका अपरदन होता है तो उसके बाद क्या बन जाते हैं, वहां पर गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं। गहरे खड्डे या अपन कह सकते हैं कंदरा, कंदरा को सामान्य भाषा में कह सकते हैं गुफाएं बन जाती है। उन गुफाओं को जो हम कहते हैं, उन गुफाओं को हम क्या कहते हैं, बिहड़ कहते हैं। गुफाओं को क्या कहा जाता है, बिहड़ कहा जाता है। ठीक है, तो बिहड़ जब भी शब्द आ जाए समझ लो बिहड़, जबकि बिहड़ की जब भी बात की जाएगी समझ लो किसे संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित है। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन के फलस्वरूप कंदराओं का यानी गुफाओं का निर्माण होता है। उन गुफाओं को क्या कहते हैं, बिहड़ कहते हैं। देखो बिहड़ का जो मुख्य रूप से जो विस्तार है, बिहड़ का कहाँ कहाँ पर है, देखो बिहड़ का विस्तार है एक तो धौलपुर, करौली और एक है सवाई माधोपुर। इन तीन जिलों में बिहड़ का मुख्य रूप से विस्तार है। अब बात आती है कि सर्वाधिक बिहड़ कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक बिहड़ पाए जाते हैं धौलपुर में। सर्वाधिक बिहड़ कहां पाए जाते हैं, धौलपुर में सर्वाधिक बिहड़ देखने को मिलते हैं। और जो देखो बिहड़ की जो रानी कहा जाता है, बिहड़ की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। बिहड़ की रानी किसे कहते हैं, करौली को। तो सर्वाधिक बिहड़ जो देखने को मिलते हैं अपने को कहां देखने को मिलते हैं, धौलपुर में सर्वाधिक बिहड़ देखने को मिलते हैं। और अगर बिहड़ की रानी पूछ ले कि बिहड़ की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, करौली को बिहड़ की रानी कहा जाता है। दूसरा देखो बिहड़ को लेकर प्रश्न जो बनता है, ये जो बिहड़ यानी गुफाएं जो होती है, इन गुफाओं में लुटेरे यानी डाकू निवास करते हैं, इसलिए इसमें बिहड़ को डाकुओं की शरणस्थली भी कहते हैं। बिहड़ को डाकुओं की शरणस्थली भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू लोग, अगर आप कोटा की तरफ जाओगे तो वहां छोटे छोटे बच्चों को डरा जाता है, सो जाने तो चंबल के डाकू आ जाएंगे। ठीक है, तो चंबल के डाकू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या कहें, इनको कुख्यात कह सकते हैं हम। ठीक है, तो बिहड़ अवनालिका अपरदन के फलस्वरूप बनी संरचना है और यहाँ पर डाकू निवास करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाकू की शरणस्थली इसको कहा जाता है। और सर्वाधिक बिहड़ का विस्तार कहाँ पर है, धौलपुर में। बिहड़ की रानी किसे कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। और देखो इसको लेकर क्या प्रश्न आते हैं, देखो ये नदी एक तो मैंने भी बताया आपको सर्वाधिक किसके लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपरदन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दूसरा देखो क्या आता है, उत्कात स्थलाकृति। उत्कात स्थलाकृति, देखो उत्कात स्थलाकृति क्या होती है, जब यह नदी बहती है तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, इस तरह की संरचना बन जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो भाग है ऊपर वाला, ये क्या होता है, कृषि अयोग्य भूमि होती है। क्या होती है, कृषि अयोग्य। इस प्रकार से ये खंडर जैसी संरचना बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं गहरे गहरे, उन गड्ढे को अपन बोलते हैं उत्कात स्थलाकृति। यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक उत्कात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो भी कौन सी है, चंबल नदी। और इस प्रकार से ये जो ऊपर जो वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र क्या होता है, कृषि अयोग्य भूमि होती है। इस अयोग्य भूमि को हम कहते हैं डांग,
कृषि अयोग्य भूमि को क्या कहा जाता है, डांग कहते हैं। और सर्वाधिक डांग का विस्तार कहां पर है, करौली में। सर्वाधिक डांग का जो विस्तार है कहां पर है, करौली में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डांग प्रदेश निम्न में से कौन से भौतिक भूभाग से संबंधित है, कौन से भौतिक भूभाग से संबंधित है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है। डांग प्रदेश किससे संबंधित है, पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर इस तरह से ये डांग प्रदेश के अलावा इसको और कहते हैं खादर भी कहा जाता है। इसको खादर क्या होता है, देखो इस प्रकार से जब भी कोई नदी निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से, जैसे मान लो कि ये कोई नदी निकल रही है यहां से, ठीक है, जब नदी यहां से आएगी तो अपने साथ क्या करेगी, कंकड़ भी बहाकर लाएगी, यानी ये कंकरीली मिट्टी होगी यहां पर। इस कंकरीली मिट्टी को कहा जाता है भाबर। इस कंकरीली मिट्टी को क्या कहते हैं, हम भाबर कहते हैं, ठीक है। अब जब ये मिट्टी यहां आएगी इस तरह से, तो जो दलदली भूमि जो होगी, इस दलदली भूमि को हम कहेंगे तराई। ये जो दलदल है, इस दलदल को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ये तो क्या हो जाएगा, कंकड़ युक्त मिट्टी हो जाएगी, कंकड़ वाली मिट्टी हो जाएगी, जिसे कहेंगे भाबर। और दलदली मिट्टी को क्या कहेंगे, तराई। अब जब देखो यहां से ये मृदा यहां जम जाएगी इस तरह से, अब ये जो मिट्टी आ रही है, देखो जल बहाकर लेकर आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देखो ये जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक तो नवीन होती है, एक प्राचीन होती है। जब ये मिट्टी क्या होती है, प्राचीन हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। हम पढ़ चुके पहले शेखावटी प्रदेश के अंदर बांगर। और जब ये तो क्या हो जाएगा, जब जलोढ़ मिट्टी क्या हो, प्राचीन हो, जब जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाए, प्राचीन हो जाए, यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। उसी प्रकार से अगर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि खादर कौन से भौतिक भूभाग से संबंधित है, तो कौन से भौतिक भूभाग से संबंधित हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश से। और अगर स्पेशल अगर वर्गीकरण में बात करेंगे तो किससे संबंधित होगा, चंबल बेसिन से संबंधित होगा। तो देखो इस प्रकार से ये जो चंबल बेसिन को लेकर जो मुख्य प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो बीहड़ के बारे में पूछा जाता है, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कहाँ पर है, धौलपुर में। बीहड़ की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के लिए चंबल नदी जानी जाती है। उत्कात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, उत्कात स्थलाकृति की अगर बात करेंगे तो उसके लिए भी कौन सी नदी जानी जाती है, चंबल नदी ही जानी जाती है। उत्कात स्थलाकृति के दौरान जो कृषि अयोग्य भूमि का निर्माण होता है, उस कृषि अयोग्य भूमि को हम क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। और सर्वाधिक डांग का विस्तार कहां पर है, करौली में है। तो इस प्रकार से जो मुख्य प्रश्न अपने से लेकर पूछे जाते हैं, और एक पूछा जाता है खादर को लेकर। और खादर क्या है, खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, जबकि जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बांगर कहेंगे। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, चंबल बेसिन में पाई जाती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, खादर भी कहते हैं। तो ये अपना हो गया चंबल बेसिन। अगला हम बात करते हैं बनास बाण गंगा बेसिन के बारे में। देखो बनास बाण गंगा बेसिन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, और मुख्य रूप से उसको लेकर क्या प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं। बनास बाण गंगा बेसिन, देखो बाण गंगा नदी अलग है, बनास नदी अलग है। पहले सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बनास नदी के बारे में, हम बात कर लेते हैं कि बनास नदी क्या है और इसको लेकर अपने से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बनास नदी जो है ये निकलती है राजसमंद से, निकलती है कहां से, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी, यहां से ये नदी निकलती है और इस तरह से चलती है। आगे चलकर ये चंबल में जाकर मिल जाती है, यानी आ जाएगा सबसे पहले तो आता है राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और लास्ट में यशवंत माधोपुर, और फिर आ जाते हैं चंबल। नदी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपन जब नदी पढ़ेंगे उसके बारे में, इसको लेकर मुख्य रूप से जब अपने को जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, देखो एक आता है पीडमांट का मैदान, इस तरह से ये बनास नदी है और इसको लेकर देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। एक तो आता है देखो बनास नदी में अगर हम बात करें, देवगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच में जो इस प्रकार का जो ये बनास नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है,
देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच में जो बनास नदी द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसे हम बोलते हैं पीडमांड का मैदान कहते हैं। पीडमांड का मैदान, देखो पीडमांड के मैदान को लेकर दो प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न तो यह आएगा कि पीडमांड का मैदान किससे संबंधित है, या पीडमांड का मैदान राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि पीडमांड का मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है। देखो इसी को लेकर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है कि पीडमांड का मैदान कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा कौन सा, जाएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और एक आता है पीडमांड का मैदान कहाँ स्थित है, तो इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं आएगा, इसमें क्या आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है। क्योंकि ये जो स्थित है भले ये भाग किसका है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, लेकिन इसकी जो स्थिति है जहां पर ये स्थित है ये किसमें, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, तो इसको लेकर दो प्रकार के देखो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बन सकता है इसका संबंध को लेकर, और एक बनती है इसकी स्थिति को लेकर। ठीक है, जब भी संबंध की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे मैदानी प्रदेश की बात करेंगे, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश शॉर्ट में लेता हूं मैं मैदानी प्रदेश की। और जब भी स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति में क्या जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा। तो दो प्रकार से प्रश्न इसके बन सकते हैं। देखो एक तो आता है कि पीडमांड का मैदान कहाँ स्थित है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में अगर भौतिक प्रदेश की बात करें, या अगर जगह विशेष की बात कर ले तो क्या जाएगा, देवगढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच में, या राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच में जो बनास नदी द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसे हम क्या बोलते हैं, पीडमांड का मैदान कहते हैं। और अगर बात करें कि इसका संबंध किससे होगा, तो संबंध किससे होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश से। और अगर इसकी भौतिक प्रदेश में अगर इसकी स्थिति पूछ ली जाएगी तो ये किस में आ जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आएगा। और देखो इसको लेकर क्या प्रश्न बनते हैं, देखो एक आता है इसको लेकर खेराड़ प्रदेश, देखो खेराड़ प्रदेश क्या है, देखो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के बीच का जो क्षेत्र है, जो मैदान है, जहाजपुर भीलवाड़ा व टोंक के बीच जो बनास नदी द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश कहलाता है, या माल खेराड़ भी बोलते हैं इसको। खेराड़ प्रदेश क्या है, बनास नदी द्वारा बनाया गया मैदान जो किसके बीच में है, जहाजपुर भीलवाड़ा और टोंक के बीच में जो बनास नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसे हम बोलते हैं खेराड़ प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन आता है खेराड़ी बोली को लेकर आता है। देखो खेराड़ी बोली बोली जाती है शाहपुरा भीलवाड़ा से बूंदी का जो बीच का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो देखो इसको लेकर मुख्य रूप से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है पीडमांड का मैदान जो किसके बीच में हो जाएगा, देवगढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच का जो बनास नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसे हम बोलते हैं खेराड़ प्रदेश, माफ कीजिएगा पीडमांड का मैदान। पीडमांड का मैदान किसे कहेंगे हम, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच में बनास नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसे हम क्या बोलेंगे, पीडमांड का मैदान। अगर पीडमांड के मैदान की संबंध की बात की जाएगी तो हम बोलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जब इसकी स्थिति की बात की जाएगी कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है तो हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, और इसका संबंध किससे है, पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंध इसका है। दूसरा हम बात करते हैं खेराड़ प्रदेश की, तो ये क्या हो जाएगा, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के बीच का जो बनास नदी द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है, खेराड़ प्रदेश। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न और बन जाता है, खेराड़ी बोली शाहपुरा भीलवाड़ा से लेकर बूंदी के बीच का जो क्षेत्र वहां कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो ये इस बनास नदी को लेकर दो प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं बनास बेसिन को लेकर, बाकी इसका वर्णन अपन नदी के अंदर करेंगे डिटेल में। अगली हम बात करते हैं बाण गंगा के बारे में, बाण गंगा बेसिन को लेकर एक ही प्रश्न मुख्य रूप से बनता है अपने। देखो बाण गंगा नदी जो है ये निकलती है जयपुर से, निकलती है बैराट की पहाड़ी से, निकलती है कहां से निकलती है, जयपुर से निकलती है बैराट की पहाड़ी से। अब इसमें देखो क्या है, जयपुर और भरतपुर इसके बीच का जो क्षेत्र है, यानी बाण गंगा द्वारा बनाया गया मैदान, जयपुर और भरतपुर के बीच बाण गंगा द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है।
क्या कहलाता है? रोही का मैदान। जयपुर व भरतपुर के बीच बाणगंगा द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है? रोही का मैदान कहलाता है। और यहां देखो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। इस क्षेत्र में गेहूं की पैदावार क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अपने बनास बाणगंगा बेसिन को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने बात की। बाकी यही चीजें वापिस आएगी जब अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस पर कोई ज्यादा मैं आपके ऊपर लोड नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि नदी के अंदर ये चीजें अपन वापस पढ़ेंगे, वहां अपन और इसको डिटेल में कर पाएंगे, क्योंकि नदी को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। वो ज्यादातर प्रश्न जब बेसिन की हम बात करते हैं तो नदियों के संबंध में ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां हम इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगले हम बात करते हैं माही बेसिन की, या जिसे हम छप्पन बेसिन या छप्पन का मैदान भी कहते हैं। देखो माही बेसिन की हम बात करते हैं, इसको लेकर अपने से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखो माही बेसिन नाम से पता चल रहा है, जहां पर माही नदी बहती है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? माही बेसिन कहेंगे। देखो इसके लिए हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, नीचे वाला भाग का बना रहा हूं मैं केवल रफली। देखो इस प्रकार से ये एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। यहां से एक मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी पड़ती है, अमरेरू की पहाड़ी, अमरेरू की पहाड़ी। यहां से नदी निकलती है, ये इस तरह से चलती है ये नदी, और ऐसे ये एक उल्टे यू के आकार के रूप में बहती है और कर्क रेखा को दो बार पार करती है, कर्क रेखा को दो बार पार करती है इस तरह से। देखो यहां अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा अपना डूंगरपुर, इधर हो जाएगा ये बांसवाड़ा, और ये हो जाएगा प्रतापगढ़। देखो इसको लेकर जो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो प्रतापगढ़ है, यहाँ ये जो क्षेत्र है जहां पर ये माई नदी का जो किनारा है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल। यानी माई नदी जो है इसका जो बाहु क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है? कांठल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांठल की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सा आ जाता है कि कांठल प्रदेश किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित जाएगा? माही बेसिन से, या फिर अगर भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा? पूर्व मैदानी प्रदेश से संबंधित होगा कांठल प्रदेश। दूसरा हम बात करते, देखो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो है यहां पर ये 56 नदी नालों का संगम, नदी नाले और गांव। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है ये देखो यहाँ पर 56 नदी नाले और गांव का संगम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 56 का मैदान कहते हैं, 56 का मैदान। क्या कहा जाता है इसको? 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, देखो तो 56 का मैदान मैंने पहले भी बताया था, 56 को लेकर तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आता है 56 का मैदान, तो 56 का मैदान की अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं 56 का मैदान। और एक आती है 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बाड़मेर। और एक आता है 56 पर्वत, 56 पर्वत कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो तीनों को आप नोट कर ले, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है 56 के मैदान को लेकर, या 56 की पहाड़ी को लेकर, या 56 के पर्वत को लेकर। तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, 56 का मैदान कहाँ पर होगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भाग है जहां पर 56 नदी नालों का संगम है उसे हम बोलते हैं 56 का मैदान। 56 की पहाड़ी की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? बाड़मेर। और 56 पर्वत की जब हम बात करते हैं तो 56 पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में है। देखो अगले हम बात करते हैं, जब ये नदी ये चलती है तो यहाँ पर देखो ये विखंडित पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पर्वतीय क्षेत्र को ये तोड़कर बाहर निकलती है, विखंडित पर्वतीय क्षेत्र, या विखंडित क्षेत्र लिख सकते हो आप, विखंडित क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं वागड़, वागड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये किसके बीच में हो जाएगा? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच,
तो देखो वागड़ जो है, वागड़ किन के बीच में है, वागड़ प्रदेश किसको कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश हम कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक पेड़ पाया जाता है महुआ, जिससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आदिवासी का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। तो ये हो गए माही बेसिन को लेकर जो प्रमुख प्रश्न जो अपने से पूछे जाते हैं, इसको लेकर हमने बात की। अगले हम बात करते हैं, देखो एक जो भौतिक प्रदेश अपना और बच्चा है पठारी प्रदेश के बारे में। अगला आता है अपना देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, छोटा सा प्रदेश है ये, देखो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ये, और इसको लेकर कोई ज्यादा विशेष प्रश्न जो अपने से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग बनाता है, 6.49 यानी लगभग 7% भाग बनाता है, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, लगभग 11% जनसंख्या, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% भाग ये बनाता है, और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। देखो इसके अंतर्गत चार जिले आते हैं, यानी कोटा संभाग पूरा आ जाता है। कितने जिले आते हैं, चार जिले कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये चार जिले मुख्य रूप से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की जो वायु है बहुत ही आर्द्र है, और सर्वाधिक नदियां जो है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत इसी क्षेत्र में बहती है, कौन से, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में ही सर्वाधिक नदियां बहती है, ठीक है। अब देखो इसको लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है जैसा मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। बात करते देखो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरा है दक्कन का पठार, विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार क्षेत्र को देखो हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां और एक है शाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में देखो एक तो आती है बूंदी की पहाड़ियां, जो बूंदी जिला है वहां पर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बूंदी की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मुकंदरा की पहाड़ियां, मुकंदरा की पहाड़ियां किसके बीच में, देखो कोटा और झालावाड़ के बीच में, कोटा और झालावाड़ के बीच में जो पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं, हम मुकंदरा की पहाड़ियां कहते हैं, कोटा और झालावाड़ के बीच में मुकंदरा की पहाड़ियां। यहीं पर देखो एक वन्य जीव अभयारण्य मुकंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य, जिसे पर बोलते हैं दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरी बाघ परियोजना भी है, ये बाघ परियोजना भी है। 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 2013 में इसको बाघ परियोजना के रूप में इसको रिजर्व किया गया। तो ये तीसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र भी है और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है मुकंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य। तो मुकंदरा की पहाड़ियां किसके बीच में, कोटा और झालावाड़ के बीच की जो पहाड़ियां है उसे हम क्या बोलते हैं, मुकंदरा की पहाड़ियां कहते हैं, और यहीं पर दर्रा वन्य जीव अभयारण्य या मुकंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य भी है। अगला बात करते हैं कुंडला की पहाड़ियां, देखो कुंडला की पहाड़ी की बात करें तो जो कोटा शहर है इस कोटा के इस तरफ जो कुंडल के समान जो पहाड़ियां पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। कुंडला की पहाड़ियां कोटा के चारों ओर जो पहाड़ियां पाई जाती है कुंडल के समान उसे क्या कहते हैं, कुंडला की पहाड़ियां कहा जाता है। अगला आता है रामगढ़ की पहाड़ियां, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, बारह में, कहाँ है, बारह में, बारह में घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियां पाई जाती है, घोड़े के नाल के आकार, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार की पहाड़ियां और कहीं नहीं पाई जाती, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, बारह में पाई जाती है, जिसे कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो बारह में पाई जाती है। कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित, किससे संबंधित रहेगी, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से, जिला कौन सा है, बारह, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर उल्कापात हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो जो जो रामगढ़ की पहाड़ियां है यहाँ पर देश का जो पहला जियो हेरिटेज है, पर्यटन स्थल भी है ये, देश का पहला, ये भी लिख लें, देश का पहला जियो हेरिटेज, देश का पहला जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल कौन सा है, रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, बारह में पड़ती है। ये घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां होती है जो कहाँ है, बारह में है। यहाँ पर उल्कापात के बारे में भी सुनने को मिलता है या इस प्रकार की कोई घटना का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो इस सेक्टर को जो है देश का पहला जियो हेरिटेज सेक्टर घोषित किया गया है, रामगढ़ की पहाड़ियां। अगला था देखो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो बारह जिला जो है, बारह जो है इसका जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, बारह जिले का जो पूर्वी पठारी प्रदेश भाग है बारह में, उसको क्या कहा जाता है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं दक्कन के पठार को लेकर, देखो दक्कन के पठार को दो भागों में बांटते हैं, एक तो है डग गंगाधर प्रदेश और दूसरा है झालावाड़ का पठार। देखो झालावाड़ का जो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, डग गंगाधर प्रदेश कहा जाता है, और जो शेष भाग है उसे हम क्या कहते हैं, झालावाड़ का पठार कहते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि डग गंगाधर प्रदेश कहाँ है, झालावाड़ में है। डग गंगाधर प्रदेश कहाँ पर है,
जलवाड़ में, जलवाड़ का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसे हम डग गंगाधर प्रदेश कहते हैं, जबकि जो शेष जो भाग है क्या कहलाता है, जलवाड़ का पठार कहलाता था। ये अपना हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, छोटा सा ही, कोई ज्यादा विशेष इससे प्रश्न नहीं बनते। देखो एक आता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है राजस्थान का, तो वो है उड़िया का पठार, ये याद रखिएगा, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कहां पर? ये अबू पर्वत के ऊपर है, सबसे ऊंचा पठार देश का, माफ कीजिएगा, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है, उड़िया का पठार। तो ये अपने जो भौतिक प्रदेश है ये कंप्लीट हुए। इसको लेकर जो मुख्य मुख्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स बनाते रहे साथ में के साथ में, तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।